बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यूपी सरकार को जो इतना सपोर्ट इतना साथ हम लोग को दे रही है, माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को। और आपने सही बोला कि मुंबई में हम लोग शूटिंग इसके पहले 2 साल पहले करते थे, 3 साल पहले, लेकिन अभी के समय में अधिकतर हमारी फिल्मों की शूटिंग यूपी में हो रही है, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद। और यहाँ जो साथ मिल रहा है, जो ऑपरेशन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि देखिए भोजपुरी है बिहार यूपी की लैंग्वेज, तो हम लोग गाँव में शूटिंग कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में शूटिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल लोकेशन पर कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की सरकार को कि ऐसे ही साथ देते रहे और हम लोग अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग हम लोग यूपी के लोकेशन पर करते हैं। सरकार सामूहिक विवाह केंद्र बहुत सारे बना रही है, बहुत सारी शादियाँ करा रही है, इस पर अभी तक अकेला कल्लू जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि शादियों में कितने खर्चे होते हैं और शादियों में कितने खर्चे होते हैं, दहेज के कारण कई लोग की शादी नहीं हो पाती, होने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो सामूहिक विवाह एक बहुत अच्छा कदम है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे तरफ से जितना सहयोग होता है, जैसे हम लोग कई कई शो में जाते हैं जहाँ पे एक साथ 21 लड़कियों की या 51 लड़कियों की शादी होती है, तो हम लोग वहाँ पर शो करने जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी खुशी महसूस होती है, तो हमारे तरफ से जितना रहेगा हम लोग भी साथ देंगे। इसीलिए इसके पहले शादी की बात की आपने, बहुत जल्द आप सबके बीच एक अच्छी न्यूज़ लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, 1-2 साल का टाइम है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है तो थोड़ा काम कर लें, इसके बाद अरविंद अकेला जल्द अब अकेला होने वाला है। मतलब फिल्मों की व्यस्तता की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, इन लोगों का सबसे पहले काम कर लूँ, 6-6 महीना 7-7 महीना लोग घर पर बैठे हैं, तो सबका पहले सात फिल्म तो ऐसे ही हो गई, तो 7 फिल्म कर लें और इसके बाद जब फ्री हों तो शादी करें, ताकि जैसे फिल्मों को टाइम दे रहे हैं वैसे बीवी को भी टाइम दें, नहीं तो बीवी नाराज होकर चल जाएगी, तो इनको हम क्यों लेके आएंगे। हाँ थैंक यू सो मच। हमारे सर आ गए, मेरे जिम्मे फसल है, बोना शुरू कर दिया और लगभग हम लोग जैसे ही बरसात बाद फसल काटे। दिनेश जी के साथ आपकी पहली मुलाकात, बहुत एक्साइटेड हूँ, दिनेश जी के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए सभी नंबर वन है, ऐसा कोई भी ये चीज़ नहीं है कि सभी नंबर वन है, इस विवादों में हम हुकूमत फंसाइए, सभी अपनी जगह पर बेस्ट है, सभी लोगों के पास अपनी अपनी एक स्टाइल है, सबके पास में अपनी अपनी एक स्टाइल है, सबका अपना अपना एक तरीका है और सभी नंबर वन है। सर आपके पोस्टर लॉन्च में जो है काजल जी नहीं आई थी, यहाँ पर भी काजल जी का सॉरी काजल जी आई हुई, खेसारी जी नहीं आई, एक लोग का उपस्थित होना हर कॉन्सर्ट में क्या साबित है? यहाँ पे लिट्टी चोखा की बात नहीं, यहाँ पे प्रेम राय जी का ये समारोह है और उनके 5 फिल्मों का लॉन्चिंग था और उसी के हिसाब से काजल जी यहाँ आती, और लिट्टी चोखा के वक्त काजल जी इसलिए नहीं आई, शायद कहीं बिजी थी किसी काम को लेके, किसी काम में लेके, बस उसी। देखिए अच्छे कॉन्सेप्ट का अच्छा रिस्पॉन्स हमेशा मिलता है, दर्शक अच्छे कॉन्सेप्ट को अच्छा सराहते हैं, हमेशा सराहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि फसल लोगों को पसंद आएगी। देखिए ये चीज़ तो मैं आपसे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं अंदर की इंटरव्यू दी, तो ये चीज़ हमारे स्वतःगढ़ के लिए जो इतने कम टाइम में इतना सारा मुझे प्यार दिए, तो मैं भी चाहती हूँ कि इतने कम टाइम में इनको मैं बड़ा सरप्राइज दूँ, तो ये सारी चीज़ें सरप्राइज रहेगी, बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी प्यारी जोया बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिखेगी, आप लोग इस सिनेमा घरों में दिखेगी बहुत अच्छे, कुछ करते हुए, कुछ आप लोग एंटरटेन करते हुए, अपने एक्टिंग से आप लोग को इम्प्रेस करूँगी, आप लोगों के दिलों पर राज करना चाहूँगी, सो आप लोग दुआ करो कि बहुत जल्द मैं कुछ बड़ा सरप्राइज सोसाइटी को।
मेरी आने वाली फिल्म, अभी तो मैंने तीन चार फिल्में ये शिकारी मैंने किया, उसके बाद से कल्लू की दुल्हनिया किया, फिर एक और राधा एक और मीरा किया, तो बहुत सारी फिल्में शूटिंग कर, अभी मुझे वन ईयर हुआ, तो लॉकडाउन के बाद मैं सारी फिल्में शूटिंग कर करके अभी बैठी हूँ, डबिंग चल रही है, एडिटिंग चल रही है। सो जिस तरह हमारे सरकार जब प्यार दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा, मैं तो चाहूँगी कि सबके साथ कर, यहाँ पे नहीं लगी है, सॉरी मैं देखने लगी, मैं तो चाहूँगी कि जो मेरा लक साथ दे और जिसके साथ मुझे काम करने को मिल जाए, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी कि एक छोटी सी लड़की जो छोटे से खानदान से, छोटे से गांव से, छोटे से जिले से बिलोंग करती है, वो चल के इस इंडस्ट्री में कदम बढ़ाई और इतना अच्छा मुकाम मिला, इतना अच्छा एक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इसमें मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करूँगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा काम करना। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.